उड़ीसा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर भारत के चार पवित्र धामों में से एक है, जहां हर साल आषाढ़ माह में भव्य रथ यात्रा का आयोजन होता है। हिंदू धर्म में जगन्नाथ रथ यात्रा का बहुत अधिक महत्व है। जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ विराजमान हैं, जो कि श्री हरि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का ही रूप माने जाते हैं। जगन्नाथ का अर्थ होता है जगत के नाथ। आषाढ़ मास की द्वितीय तिथि को ये रथ यात्रा शुरू होती है और शुक्ल पक्ष के 11वें दिन भगवान की वापसी के साथ इस यात्रा का समापन होता है। भगवान जगन्नाथ के मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कथा के अनुसार मध्य भारत में इंद्रद्युम्न नाम के एक राजा रहते थे। उनकी राजधानी का नाम अवंती था। वो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे और हमेशा भगवान विष्णु के दर्शन के लिए इच्छुक रहते थे। एक बार एक ऋषि घूमते हुए उनके महल में आ पहुंचे और राजा से बोले, राजन, उड़ीसा में भगवान विष्णु के भव्य रूप नील माधव को पूजा जाता है, लेकिन वो जगह उड़ीसा के कौन से हिस्से में है ये आपको पता लगाना पड़ेगा। क्या आप सत्य कह रहे हैं ऋषि श्रेष्ठ? ये सुनकर तो मेरा मन भगवान विष्णु के दर्शनों को लालायित हो गया है। राजा इंद्रद्युम्न अत्यंत आनंदित हो उठे और तुरंत महल के मुख्य पुजारी के भाई विद्यापति को आदेश दिया कि वो ओडिशा जाकर नील माधव की खोज करे। राजा के आदेश अनुसार विद्यापति ओडिशा भ्रमण करने निकल पड़े। बड़ी ही लंबी यात्रा के बाद जब विद्यापति ओडिशा पहुँचे, तब उन्हें कुछ गुप्तचरों के माध्यम से पता चलता है कि सबरों के मुखिया विश्ववासु एक गुप्त गुफा के अंदर नील माधव की पूजा करते हैं। विद्यापति विश्वासु के पास गए और बोले, महाशय, कृपा करके आप मुझे देव पूजा का स्थान दिखा दीजिए, मैं विश्वास के साथ यहाँ आया हूँ। नहीं नहीं, मैं तुम्हें उस स्थान पर नहीं ले जा सकता, मुझे माफ करो। अब मैं क्या करूँ? यदि ऐसे ही वापस गया तो महाराज को क्या जवाब दूंगा? मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा। विद्यापति उसी गांव में रुक गया। कुछ ही दिनों में विद्यापति को विश्ववासु की बेटी ललिता से प्यार हो गया और दोनों ने शादी भी कर ली। शादी के कुछ दिन बाद विद्यापति ने अपनी पत्नी से कहा, ललिता सुनो, क्या तुम नील माधव की सिर्फ एक झलक दिखाने के लिए अपने पिता से कह सकती हो? तुम्हारे पिता तुम्हारी बात नहीं टालेंगे। ठीक है, पिताजी को आने दो, मैं बात कर लूंगी। ललिता अपने पिता से बात करती है। ठीक है, पर मेरी एक शर्त है, विद्यापति मेरे साथ आंखों पर पट्टी बांध कर जाएगा। विद्यापति शर्त मान लेता है, पर वो बड़ी ही चालाकी से अपने साथ कुछ सरसों के दाने ले जाता है और गुप्त गुफा तक पहुंचने के रास्ते को याद रखने के लिए रास्ते में सरसों के दाने गिराते हुए जाता है। गुप्त गुफा में पहुंचने के बाद जब विद्यापति ने नील माधव की दिव्य छवि को देखा, तब वो उन्हें देखता ही रह गया। गुप्त गुफा से लौटकर विद्यापति ने राजा इंद्रद्युम्न को सब कुछ बताया। तब राजा इंद्रद्युम्न भी अपने प्यारे भगवान के दर्शन के लिए तुरंत निकल पड़े। लेकिन जब राजा इंद्रद्युम्न विद्यापति के साथ गुप्त गुफा में पहुंचे, तब उन्हें वहां कुछ नहीं दिखा। नील माधव अंतर्धान हो चुके थे। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, प्रभु कहाँ गए? महाराज, मैंने यही उनके दर्शन किए थे, पर अब वो यहाँ से अंतर्ध्यान हो गए हैं। राजा इंद्रद्युम्न निराश होकर महल में लौट आए। उसी रात उनके सपने में भगवान विष्णु आए और बोले, राजन, तुम पुरी के समुद्र तट पर जाओ, वहाँ तुम्हें एक लकड़ी का लट्ठा मिलेगा जो पानी में तैर रहा होगा, उसे लेकर आओ और उस लकड़ी से मूर्ति का निर्माण करो। राजा इंद्रद्युम्न ने इस संदेश का पालन किया और वो पुरी के समुद्र तट पर पहुँच गए और वहाँ उन्हें सचमुच एक लकड़ी का लट्ठा पानी में तैरता हुआ दिखाई दिया। लेकिन राजा इंद्रद्युम्न के सेवकों के लाख कोशिशों के बावजूद भी कोई उस लकड़ी के लट्ठे को उठा नहीं पा रहा था। अंत में कबीले के सरदार विश्ववासु की सहायता से उस लकड़ी के लट्ठे को महल में लाया गया, परंतु उस लकड़ी के लट्ठे से कोई भी कारीगर नील माधव की छवि तराश नहीं पा रहे थे। महाराज, हमारे लिए ये कार्य करना असंभव है, हम इस लकड़ी के लट्ठे से कोई भी मूर्ति नहीं तराश पा रहे हैं, हमें क्षमा कीजिए। जब इस काम को करना नामुमकिन हो गया, तब भगवान विष्णु ने फिर से राजा के सपने में दर्शन दिए और कहा, राजन, तुम देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा की आराधना करो, वो इस कार्य को अवश्य पूरा करेंगे।
भगवान विष्णु के कहने पर राजा इंद्रद्युम्न ने देवताओं के शिल्पकार श्री विश्वकर्मा से प्रार्थना की। तब वो सबके समक्ष एक बूढ़े बढ़ई के रूप में प्रकट हुए और राजा इंद्रद्युम्न से बोले, राजन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं कुछ ही दिनों में तराश कर मूर्तियां तैयार कर दूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। जी प्रभु बोलिए, मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। मैं भगवान श्री विष्णु की मूर्ति को 21 दिनों में बनाकर तैयार कर दूंगा, पर मैं ये कार्य अकेले में एक बंद कक्ष में रहकर करूंगा। अगर किसी ने भी मेरा कार्य पूरा होने से पहले कक्ष के द्वार को खोला तो मैं कार्य को अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं, कृपा करके आप कार्य को आरंभ कीजिए। और फिर भगवान विश्वकर्मा ने कक्ष के द्वार बंद कर लिए और अपने कार्य में लग गए। लोगों को उस कमरे से सिर्फ आरी छेनी और हथौड़ी इत्यादि की आवाजें सुनाई देती थी। लेकिन 15 दिनों बाद जब रानी गुंडीचा को कमरे से कोई भी आवाज सुनाई नहीं दी, तब वो घबरा गई और राजा इंद्रद्युम्न से बोली, महाराज जिस कक्ष में मूर्ति बनाने का कार्य चल रहा है वहाँ से कोई भी आवाज नहीं आ रही है, कहीं वह बूढ़ा कारीगर भूख प्यास के कारण मर तो नहीं गया? आप एक बार कक्ष को खोलकर देख तो लीजिए, कहीं हमारे सिर कोई पाप न लग जाए। पर महारानी, हमें उन्होंने यही शर्त रखी थी कि 21 दिन से पहले उस कक्ष का द्वार न खोला जाए, कहीं कोई अनहोनी हो गई तो? महाराज ऐसे भी तो हम चिंता में हैं, कक्ष को खोले बिना कुछ पता नहीं चलेगा। रानी गुंडीचा ने राजा इंद्रद्युम्न से कक्ष का द्वार खोलने की जिद की। आखिर में कक्ष के द्वार को खोला गया और राजा इंद्रद्युम्न के ऐसा करते ही वो बूढ़ा कारीगर बने, भगवान विश्वकर्मा गायब हो गए और अपने पीछे आधी बनी 3 मूर्ति छोड़ गए। राजा इंद्रद्युम्न को इस बात से बहुत दुख पहुंचता है कि उन्होंने विश्वकर्मा की बात को नहीं माना और शर्त के नियम तोड़ दिए। इसी कारण प्रभु जगन्नाथ के हाथ और पांव आधे बने हुए हैं। राजा इंद्रद्युम्न ने उसी रूप में उन मूर्तियों की स्थापना की जो आज जगन्नाथ मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ श्री कृष्ण भगवान जगन्नाथ के रूप में बड़े भाई बलराम और छोटी बहन सुभद्रा के साथ विराजमान है। प्रभु जगन्नाथ को भी बुखार होता है, उनको भी दवाई दी जाती है। कभी कभी वो ठीक हो जाते हैं पर कभी कभी नहीं, उनका पुनर्जन्म होता है जिसे नव कलेवर कहा जाता है, जो हर 8 साल 12 साल और 19 साल में एक बार होता है। इन दिनों उड़ीसा सरकार पुरी में अंधकार का ऐलान करती है और कुछ खास पुजारी अपनी आंखों पर लाल कपड़ा और हाथों में लाल कपड़ा बांधकर पुरानी मूर्ति से कुछ रहस्यमयी चीज को निकालकर नई मूर्ति में लगा देते हैं, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। ब्रह्म जो जीवन का प्रमाण देता है, जैसे प्रत्येक मनुष्य के शरीर में आत्मा होती है, उसी प्रकार प्रभु जगन्नाथ के शरीर में ब्रह्म या परमात्मा रहते हैं। यही कारण है कि प्रभु जगन्नाथ दुनिया के एकमात्र जीवित ठाकुर जी हैं, जो भक्तों की पुकार सुनते हैं, समझते हैं और उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। श्री जगन्नाथ मंदिर के ऊपर स्थापित लाल ध्वज सदैव हवा की विपरीत दिशा में लहराता है। प्रतिदिन सायकाल मंदिर के ऊपर स्थापित ध्वज को मानव द्वारा उल्टा चढ़कर बदला जाता है। कहा जाता है कि जब श्री कृष्ण की मृत्यु हुई थी तब एक बहेलिये ने ही उनका अंतिम संस्कार किया था, लेकिन उस वक्त श्री कृष्ण का दिल आग में जला नहीं था, जिस वजह से बहेलिये ने उस हृदय को लकड़ी के गुच्छे में बांधकर समुद्र में प्रवाहित कर दिया था, जो फिर बहते बहते पुरी के समुद्र तट पर पहुंचा और वहां से फिर राजा इंद्रद्युम्न ने उसे प्राप्त कर प्रभु जगन्नाथ की मूर्ति का निर्माण करवाया। ओडिशा शहर के छोटे से गांव में माधव दास जी रहते थे। माधव दास जी अकेले रहते थे और भगवान जगन्नाथ जी के भजन किया करते थे और वो हर रोज भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर में दर्शन के लिए जाया करते थे। वो सिर्फ जगन्नाथ जी की भक्ति में ही मस्त रहते थे, उन्हें सांसारिक जीवन से कोई मोह माया नहीं थी। एक दिन अचानक माधव दास जी की तबीयत खराब हो गई, उन्हें उल्टी दस्त का रोग हो गया। वो बहुत ही कमजोर हो गए कि उठने बैठने में भी उन्हें समस्या होने लगी। माधव जी अपना कार्य स्वयं करते थे, वो किसी से मदद नहीं लेते थे।
जो व्यक्ति उनकी मदद के लिए आता था उनसे कहते थे, मेरे प्रभु, मेरे जगन्नाथ जी स्वयं मेरी रक्षा करेंगे। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं, माधव जी की तबीयत और खराब हो जाती है। अब तो वो मलमूत्र भी बिस्तर पर त्याग देते थे, परंतु उन्होंने अपनी भक्ति और आस्था जगन्नाथ जी पर से नहीं छोड़ी। इतना बीमार होने के बाद भी वो नियम से जगन्नाथ जी की आराधना किया करते थे। यही दूसरी ओर जगन्नाथ जी अपने भक्त की उन पर आस्था देखकर अत्यंत खुश थे। तभी बलदेव जी जगन्नाथ जी से कहते हैं, हे प्रभु, आपका प्रिय भक्त इतना कष्ट में है, आप उसे दूर क्यों नहीं करते? उसके पूर्व जन्म के कष्ट हैं, जो उसे भोगने ही होंगे, पर उसने मेरी इतनी भक्ति की है, इस कारण मैं पृथ्वी लोक पर जाकर उसकी देखभाल करूंगा। तब स्वयं जगन्नाथ जी सेवक के रूप में माधव जी के पास उनकी सेवा करने के लिए जाते हैं। वो माधव जी की बहुत सेवा करते हैं और उनके गंदे वस्त्र भी भगवान जगन्नाथ जी अपने हाथों से स्वयं साफ किया करते थे और उन्हें स्नान भी कराया करते थे। भगवान जगन्नाथ जी की सेवा से जब माधव दास जी स्वस्थ हुए और उन्हें होश आया, तब भगवान जगन्नाथ जी को उनकी सेवा करते देख वो तुरंत पहचान गए, ये मेरे प्रभु ही हैं। देखो माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट सहा नहीं जाता, इसी कारण मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए स्वयं आया हूँ। और जो पूर्व जन्म के कष्ट तुम्हारे भाग्य में लिखे हुए हैं, वो तो तुम्हें भोगने ही पड़ेंगे। अगर उस कष्ट को इस जन्म में नहीं भोगोगे तो तुम्हें फिर से एक और जन्म लेकर कष्ट भोगना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता था कि मेरे भक्त को उसके पूर्व जन्म के कष्टों के कारण अगला जन्म फिर लेना पड़े, इसलिए माधव मैंने तुम्हारी सेवा की। अगर फिर भी तुम कह रहे हो तो मैं अपने भक्त की बात नहीं टाल सकता। अब भी तुम्हारा ये रोग 15 दिन का और शेष है, इसलिए वो 15 दिन का रोग वो मैं ले लेता हूँ। 15 दिन का वो रोग जगन्नाथ प्रभु ने माधव दास से ले लिया। तब से भगवान जगन्नाथ जी 15 दिन के लिए बीमार रहते हैं। तब से आज तक हर वर्ष से यही चलता आ रहा है। ज्येष्ठ पूर्णिमा को भगवान जगन्नाथ जी को ठंडे जल से स्नान कराया जाता है। इस स्नान के बाद भगवान को बुखार आ जाता है। 15 दिनों तक भगवान जगन्नाथ जी को एकांत में एक विशेष कक्ष में रखा जाता है, जहां केवल उनके वेधा और निजी सेवक ही उनके दर्शन कर सकते हैं। इस दौरान भगवान जगन्नाथ जी को फल के रस, औषधि एवं दलिये का भोग लगाया जाता है और रोग मुक्त करने के लिए उन्हें काढ़ा भी पिलाया जाता है। भगवान के स्वस्थ होने पर अपने भक्तों से मिलने रथ पर सवार होकर निकलते हैं, जिसे रथ यात्रा कहा जाता है। इस रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ जी के साथ साथ उनके भाई और बहन भगवान बलदेव और देवी सुभद्रा की भी रथ यात्रा निकलती है। रथ यात्रा प्रतिवर्ष आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को निकलती है।